नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो देखिए, 12 वोल्ट का एक पावर सप्लाई है हमारे पास 5 एम्पियर में, और इसको हम रिपेयर करेंगे। देखिए, तो रिपेयर करने से पहले हम देखिए इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो एसी की वायर लगेगी, जहाँ पर हमारा फ्यूज वायर और एनटीसी लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज वायर है हमारा और यहाँ पर एक एनटीसी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एसी का वायर लगेगा, और देखिए बीच वाली जो पिन इसके अंदर दे रखी है, ये हमारी ग्राउंडिंग है। ये ग्राउंडिंग है और ये हमारी एसी की वायर है। अगर यहाँ हम वायर नहीं लगाएंगे तो तब भी हमारा एसएमपीएस चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ग्राउंडिंग वाली जो पिन है वो कौन सी होती है। तो देखिए ग्राउंडिंग पिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ग्राउंडिंग वाली पिन जो होती है वो कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर देखिए दो हमारी एसी की वायर लगती हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर यहाँ मोटी वाली जो पिन होती है वो होती है हमारी ग्राउंडिंग की पिन। ये वाली जो पिन होती है ये हमारी ग्राउंडिंग होती है, लेकिन इसको लगाएंगे नहीं तो हमें बस क्या दिक्कत आएगी कि कभी कभी अगर अचानक हम इस पर हाथ लगाएंगे तो हमें यहाँ पर शॉर्ट लग सकता है, बस इससे ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 12 वोल्ट और एसी की वायर को लगाएंगे और इसके अंदर प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एसी वायर जोड़ देता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमने इसके अंदर देखिए एसी की वायर जोड़ दी, और इसको जो है अब मैं ऑन करके देखते हैं हम इसको। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले हम सीरीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी ग्रीन वाली एलईडी है वो देखिए हल्की हल्की ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है चालू हो रही है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो एलईडी है देखिए हमारी बंद और चालू हो रही है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, और वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डीसी 200 पे रख देता हूँ मैं, कि अगर कभी इसमें वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो हमारा मीटर ख़राब ना हो। तो देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से देखिए वोल्टेज शो हो रही है। ये देखिए जो हमारी ग्रीन वाली एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है, और ये हमारी देखिए रीडिंग कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, यानी कि इसके अंदर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमारी जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब कि पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी एसी लाइन के अंदर जो है वो दिक्कत है, जो हमारा हाई वोल्टेज है, या हमारी लो वोल्टेज के अंदर दिक्कत है। तो हम यहाँ करेंगे डीसी 1000 पे कर देंगे मीटर को, और यहाँ पर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर पे जो है हमारी वोल्टेज वो आ रही है 260-265 के आसपास आ रही है। तो यानी कि हमारे कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रही है, हमारी वोल्टेज आउट नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए मैंने एसी की वायर को निकाल दिया, लेकिन कभी भी आप रिपेयरिंग करते समय इसको हाथ ना लगाएं। आपका जो कैपेसिटर है ये बड़े वाला, इसको पहले डिस्चार्ज करें, नहीं तो आपको शॉर्ट सर्किट लग सकता है। तो मैं यहाँ इसे डिस्चार्ज करता हूँ। तो ये मैंने इसे डिस्चार्ज कर दिया, अब हमें शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके से एक दो बार अगर आप कर देंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा। अब देखिए इसके अंदर जो है, हम यहाँ पर जो सारे कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट हम एक बार को ये चेक कर लेंगे, जो मेन कंपोनेंट होते हैं, कि वो शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहे हैं। कोई भी कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है जो शॉर्टिंग दिखाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायबोर्ड को चेक कर लेंगे। तो देखिए डायबोर्ड हमारे रीडिंग दिखा रहे हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे जो ये मॉस्फेट लगे हुए हैं, तो ये भी सही है मॉस्फेट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वाले मॉस्फेट को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, एक बार प्रिंट को चेक कर लेते हैं कि प्रिंट शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट शॉर्टिंग है, तो यानी कि ये शॉर्टिंग दिखाएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरे नंबर की पिन पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे मैन है, जैसे कि मॉस्फेट लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है, कपलर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इन चीज़ों को आप मैन चीज़ों को चेक कर लें जिस पे हमें डाउट लगता है कि वो शॉर्टिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी ट्रांजिस्टर हमारा सही है, इसमें भी रीडिंग आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों एक प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए प्रीसेट लगा हुआ है 102 का। तो 102 जो प्रीसेट है दोस्तों हमारा 1K होता है। तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि इसके अंदर जो 1K रीडिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो हमने 200K के ऊपर मीटर को रख दिया, और ये चेक करेंगे इसके अंदर 1K रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, यानी कि 1K या 2K के आसपास आएगी।
तो इसमें रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों 13 के, यानी कि ये जो प्रीसेट है हमारा ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि 13 के की रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जबकि ये हमारा जो प्रीसेट है ये 1K का प्रीसेट है, 1K से 1K5 या 1K8 दिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। तो ड्रॉपिंग जो आ रही है वो हमारी शायद इस प्रीसेट की वजह से आ रही है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस प्रीसेट को यहाँ से चेंज करेंगे, हम यहाँ पर हम एक नया प्रीसेट लगाएंगे 202 का। तो 202 का एक प्रीसेट लगाते हैं और फिर हम इस अपनी पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो देखिए हमारा ये वाला प्रीसेट हमने इसमें से निकाल दिया, ये देखिए 202 का प्रीसेट है। अब इसकी जगह पे हम एक नया प्रीसेट लगाएंगे और उसको लगा के हम चेक करेंगे। तो एक 202 का हम नया प्रीसेट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये 202 का हमारे पे एक नया प्रीसेट है, ये देखिए। अब हम ये वाला प्रीसेट लगा के इसमें चेक करेंगे और फिर अपनी जो रीडिंग है, अभी हमारी 10 से 12 13 रीडिंग आ रही थी, 12 13 के आसपास जो रीडिंग आ रही थी उस रीडिंग को हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम इस अपने पावर सप्लाई को फिर दोबारा हम चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये पावर जो प्रीसेट है इसके अंदर ये एडजस्टेबल लगाया गया है, वोल्टेज एडजस्टेबल, मतलब कितनी वोल्टेज चाहिए, तो ज़्यादा घुमाने के, जैसे किसी ने अगर इस पावर सप्लाई का ज़्यादा यूज करा होगा और इस प्रीसेट को ज़्यादा घुमाया होगा, तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा प्रीसेट है वो ख़राब हो गया, ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है। तो अब देखिए प्रीसेट मैंने लगा दिया है और 20K के ऊपर अब हम दोबारा इसको प्रीसेट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीसेट हमारा बिल्कुल सही हो गया, पहले देखिए 10 से 12 के की रेजिस्टेंस दिखा रहा था और अब देखिए इसके अंदर पॉइंट के अंदर आ गया, यानी कि जो हमारा प्रीसेट है वो नया प्रीसेट हमने लगा दिया तो वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और अभी जो वोल्टेज हमारी इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रही थी, तो अब हम इसको लगा के एक बार चेक करते हैं इसके अंदर, और जो हमारी LED ब्लिंकिंग हो रही थी वो भी बंद हुई या नहीं हुई। तो देखिए जो LED हमारी ब्लिंकिंग कर रही थी वो बंद हो गई है बिल्कुल, अब देखिए प्रॉपर जल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज को एक बार हम चेक करते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आई या नहीं आई। तो देखिए यहाँ पर हमारी 10 से 9 वोल्टेज आ रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी वोल्टेज को प्रीसेट से एडजस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट कर देंगे और हमारा प्रीसेट से जो है वोल्टेज प्रॉपर हो जाएगी। तो देखिए 12.4 के आसपास कर देते हैं थोड़ी सी वोल्टेज एक्स्ट्रा। तो वोल्टेज देखिए अब हमारी पूरी 12 हो गई है और हमारी LED भी बढ़िया ग्लो कर रही है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितने ही आसान तरीके से अपने पावर सप्लाई को हमने रिपेयर करा और इसके अंदर सिर्फ एक प्रीसेट की दिक्कत थी जो हमारी क्लियर हो गई है। तो दोस्तों कभी भी आपके पास अगर ये ऐसी पावर सप्लाई आती है और LED ब्लिंकिंग करती है इस तरीके से, तो आपका जो है प्रीसेट है वो ख़राब होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि 202 का जो दोस्तों प्रीसेट होता है वो हमेशा 1K का होता है, लेकिन ये 12 से 13 के की रेजिस्टेंस दिखा रहा था इसलिए ख़राब था। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।